आज लगभग 50 दिन रेत के अंदर रहने के बाद आखिर में ये सब का समय हो चुका है बाहर आने के। अब ये नन्ही सी जान को समुद्र के पानी की ओर बढ़ना है। इसका जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए हर वस्तु अब इसी समुद्र में है। सभी भाई बहनों ने एक साथ मिलकर धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगा, पर ये नहीं जानते इसका अगले कदम में क्या होने वाला है। इस समुद्र तक पहुंचने से पहले इसे बहुत सारे जंग का सामना करना पड़ेगा, और जब तक ये समुद्र तक पहुंचेगा तब तक इनका संख्या आधे से भी कम हो जाएगा। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब प्रकृति का खेल है, और हमारे ना चाहते हुए भी हमें प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। इतना भाई बहनों के अंदर आखिर में गिने चुने कुछ बच्चे ही सर्वाइव कर सकते हैं, और समुन्द्र के पानी में शुरू होती है इसका नए जिंदगी का शुरुआत। खुले समुद्र में इसे खाना तो मिलेगी, उसके साथ साथ इसे जिंदगी का हर वो मोड़ मिलेगा जिसे इसका आदि पुरुष ने सर्वाइव किया है। समुद्र की हर वस्तु हर चीज इसे नया कुछ सिखाएगी। इन समुद्र में ये सिर्फ अकेला नहीं है, इनकी तरह करोड़ों जीव यहाँ पर फैला हुआ है, और अब समुद्र की घास और कोरल ही इसका जिंदगी है। अब इसका शरीर तो बड़ा हो गया है, पर इसे प्रजनन के लिए अब कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। लगभग 4 साल बाद अब ये पूरा एडल्ट बन चुका है। अब इसे मिलन के लिए एक साथी चाहिए, और एक परफेक्ट मेटिंग के बाद ये अंडे देने के लिए तैयार है। ये लगभग 50 से 100 अंडे तक देता है। इन्हें फिर से वही जगह पर लौटना पड़ेगा जहाँ पर इनकी जन्म हुआ था, एक सुशांत रेत पर। अंडे देने के बाद ये माता का काम अब समाप्त हो चुका है। अब इसके बच्चे को भी इनकी तरह खुद का तकदीर खुद बदलना होगा, और एक नए जिंदगी का जंग में शामिल होना पड़ेगा। अब समुद्र की पानी ही इसका जिंदगी है। अगले दिन हम फिर मिलेंगे नए कोई जानवर के साथ। तब तक के लिए प्यार में रहिए हमारे और प्रकृति के साथ।